इंदौर की स्कीम नंबर 140 में गुरुवार दोपहर को आम आदमी पार्टी ने वाणिज्य कर विभाग के मनमाने अतिक्रमण का विरोध किया। दरअसल स्कीम नंबर 140 में वाणिज्य कर कार्यालय में गुरुवार दोपहर को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और वाणिज्य कर विभाग द्वारा किए गए नियम विरुद्ध अतिक्रमण का विरोध जताया। आप कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए वाणिज्य कर कार्यालय पहुंचे एवं विभाग द्वारा आनाकानी करने पर धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी के जिला सचिव मनोज यादव और विधानसभा 5 के प्रभारी अमन नरेश ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग ने बिल्डिंग के गलियारे में आम रास्ते को बंद कर एक दीवार बना ली है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। विभाग ने मनमाना और अड़ियल रवैया इस दीवार को लेकर बना रखा है। इस तरह के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व में भी विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर दीवार हटाने का निवेदन किया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि न्यायालय के समक्ष वाणिज्य कर विभाग द्वारा सरासर झूठ बोला गया है कि विभाग द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। यहाँ पे कब्जा किया हुआ है और काफ़ी समय से हम लोगों ने कोर्ट में भी अपील करी है, जिस जो यहाँ की दुकानें कोर्ट में भी उन लोगों ने अपील करी है दुकान मालिकों ने, पर वाणिज्य कर विभाग यहाँ पे दादागिरी से ये कब्जा कर रखा है। इसके पीछे भी आप देखेंगे तो पासपोर्ट ऑफिस ने तो अपना शटर लगा के कब्जा कर रखा है, जबकि ये कॉमन पैसेज है। इस कॉमन पैसेज पे सभी का जो यहाँ के मालिकाना हक रखते हैं इस बिल्डिंग में, जिनके फ्लैट है और दुकानें हैं, उनका अधिकार है, ना कि ये वाणिज्यिक कर विभाग का। हमने कई बार कोशिश करी वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों से बात करने की, पर उन्होंने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। उनका कहना है कि हमारा कब्जा है ही नहीं। जब आपका कब्जा नहीं है तो वाणिज्यिक कर विभाग का वहाँ पर लोगों कैसे लगा हुआ है? देखिए, ज्ञापन तो हम पहले भी दे चुके हैं इनको, हमारी तरफ से इनको एप्लीकेशन दी जा चुकी है, पर इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस पर हमने इनको समय सीमा भी दी थी कि इतनी समय सीमा में आप ये अपना जो अवैध कब्जा है ये हटा लीजिए, पर इन्होंने नहीं हटाया। उसी के लिए आज फिर हम आंदोलन पे उतरना पड़ा।